हत्या, ये पितृमात की हत्या सारे पाप ही अन्न में रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप उसको लेना पड़ेगा, इसलिए हर पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एकादशी व्रत का दिन अगर कोई अन्न भोजन करेगा तो उसको किसी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी, इतने भयंकर पाप है। इसलिए कल है भागवत कथा में एकादशी व्रत है, आप लोग जरूर एकादशी व्रत, जो लोग नहीं रखे हो कभी कल एकादशी व्रत करना है, कोई चिंता नहीं, यहाँ पर प्रसाद भी, एकादशी का प्रसाद भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी भगवान वामन देव आ रहे हैं, अभी कृष्ण आने वाले। जब भगवान से वामन देव प्रकट हुए, अगर देवता मर तो मर जाए, दत्त मर तो इनका गुरु शुक्राचार्य जो संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा कर देते थे। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले हम लोग अमृत तो कैसे प्राप्त करें, बोले ये समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत पान करो तो जगत में अमृत तो की प्राप्ति होगी। जब समुद्र मंथन से अमृत निकली, स्वयं धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले और स्वयं भगवान मोहिनी अवतार धारण करते, उन्होंने बोले तुम दोनों में अमृत का पान होगी, बोले देखो पानी पिला देता, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा हम दोनों बैठ करके पान करेंगे। लेकिन मोहिनी देखने में इतने सुंदर थी, इनकी सुंदरता को देख करके तो दत्त लोग एकदम तो पागल हो गए, बोले मोहिनी भले ही हमें अमृत देकर के पागल बन रहे थे, इतने में अमृत को उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने देवता को पिला दिया। इतने में स्वर्ग भान नाम का जो दत्त ने ये चंद्र सूर्य को बीच में बैठ करके अमृत पान कर दिया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये देवता ने दत्त ने धोखे से अमृत दिया, ठाकुर जी सुदर्शन का गला काट दिया, एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में जब उन्होंने सारे अमृत पिला दिया देवता को, अमृत कलश को छोड़ करके देवता जी आकर के मना की, फिर तो बलि महाराज को बड़ा क्रोध आया, बलि कौन है ये दैत्यों का राजा, इन्होंने यज्ञ किया, गुरु जी की संतुष्ट की, संतुष्ट करते हुए फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य पर उन्होंने चामन रूप में अवतार लेकर के फिर ये स्वर्ग राज्य को धारण की। भगवान वामन देव प्रकट हुए, बोले भगवान वामन देव की जय। भैया ले आओ वामन भगवान को। जब श्री भगवान वामन देव प्रकट हुए, अभी श्री गुरुदेव बृहस्पति ने इनकी बोले बोले हमें स्वर्ग राज्य वापस ला करके दो, बोले कहाँ से लाएंगे, बोले जाओ ये भृगु वृक्ष पर, वहां पर यज्ञ हो रही है, यज्ञ में बलि महाराज जो कुछ मांगो बलि महाराज समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते हैं, वहीं पर उनसे स्वर्ग राज्य को मांग कर मिलाओ। भगवान श्री वामन देव वहां पर गए, बलि महाराज प्रसन्न होकर उनकी बड़ी पूजा सेवा की, बोले प्रभु आपको क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने बोले तीन पग हमें जमीन चाहिए। जब शुक्राचार्य संकल्प करने जा रहा था, श्री बलि महाराज संकल्प करने जा रहे थे, इतने में शुक्राचार्य ये तीन पग नहीं ये त्रिभुवन राज्य को हड़प लेगा, ऐसे दान को दान नहीं माना जाती है। बलि महाराज बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, दान लेने के लिए आए, अगर वो चाहते तो संपूर्ण राज्य को ले सकते थे, लेकिन भगवान स्वयं भिक्षा मांगने के लिए आए, मेरे जैसे सौभाग्यवान कौन होगा, मैं जरूर मैं दान दूंगा। जब फिर संकल्प करने के लिए उन्होंने जब संकल्प करने के लिए गए, बोले बताओ तीसरे पल कहाँ पर रखे, बड़े पल कहाँ पर रखे, लेकिन उनका जो तो पत्नी थी ना, पत्नी बड़ी भक्तिमती थी, इतने में पत्नी आ गई, बोले अपने ठाकुर को कुछ दिया ही नहीं, भगवान का अपना राज्य ठाकुर जी ले गए, जब तक खुद को खुद नहीं देते तो देना थोड़ी होता है,
ठाकुर जी को बोले जब तक पति को पास में पैसा धन हो तब तक रहेगी, और पैसा नहीं हो तो भाग जाएगी। बोले धर्म पत्नी किसको कहते हैं? बोले हर समय पति को कंधे में कंधे मिला करके जो संपूर्ण जीवन बिताइए तो नहीं है धर्म पत्नी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले सचमुच से तुम धर्म पत्नी हो। बोले प्रभु जी ये बताओ दान बढ़ाना दानी बड़ा है? बोले दानी बड़ा। बोले आपको तो बोले दानी दिए, अभी तो दानी स्वयं बाकी है। बोले बताओ चरण कहाँ? सर पर चरण रखो। फिर भगवान उसकी सर पर चरण रखी, सारे देवता लोग देख करके प्रसन्न हो गए और स्वर्ग से पुष्पो की गौशाल की। बोले श्री बलि महाराज की जय, श्री दामन भगवान की जय हो। अभी श्री भगवान बामन देव भगवान को भीषण बच्चे बोले जाओ वहां मुझे काट का सकते हो बाप तेरे द्वार खड़ा करूंगा। बाबा ने अंगुल बाबा ने अंगुल वास प्रभु का मांग रही है दान बली तेरे बली तेरे गारे करा भगवान बली तेरे गारे करा भगवान बली तेरे गारे खड़ा भगवान बली तेरे गारे खड़ा भगवान पावन अंगुल वास प्रभु का
हरे कृष्णा कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था परिजन बाबा। क्या नाम था? अरे जोर से बोलो, उनका नाम था परिजन बाबा। कहते उनके पांच बेटे थे, कहते उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद। पहले ये नियम होता था, जब 50 साल हो जाती थी फिर घर में कोई नहीं रहते थे, क्योंकि 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य पालन करते थे और 50 साल तक घर गृहस्थी करते थे, फिर 50 साल के बाद में घर में कोई नहीं रहते थे, सब वन में चले जाते थे भजन करने के लिए। ध्यान लेकर सुना हरे कृष्णा। इसलिए देखो 50 के बाद में जो अंक आती है ना, एका बन, क्या क्या नंबर आता है? अरे बोलो, मतलब क्या? एका बन मतलब है घर नहीं, वृंदावन जाओ भजन करो। बापन, चौबन, ये बन बन शब्द आता है। इसलिए भागवत कहता है 50 ऊर्धे बनम ब्रजे, 50 साल बाद में घर में मत रहो, फिर बहू को साथ में लड़ाई झगड़ा होगी। हाँ, चाबी काठी को लेकर के लड़ाई झगड़ा होने से पहले क्या करो, घर छोड़ो और वृंदावन में जाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए परिजन बाबा जब बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, बच्चे इनके बड़े हो गए, बोले और घर में नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने पांच बच्चों को बुलाए, बोले देखो हमारी 50 साल हो गई है, हाँ मतलब एक बार पक्या मतलब ऊपर से बेल पड़ गया और ज्यादा देर रहने वाले नहीं है, इसलिए मृत्यु आने से पहले ये जीवन का जो रहस्य है, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है, वो अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान की तरफ में बढ़नी चाहिए। देखो अभी वो वृंदावन में तो अगर जाने का कोई अगर व्यवस्था नहीं है, लेकिन कम से कम अपना घर को तो वृंदावन बनाओ, कम से कम घर में बैठी कर भजन करो ना, दिन पर ताश खेलो और टीवी खोल कर बैठ जाओ, स्मार्टफोन देखने लगे नहीं भैया, ये जीवन इसीलिए नहीं है। ये कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए, भजन करने के लिए दिए। अगर ऐसे ये जीवन बीत गए तो ठाकुर दो बार अपने मानव शरीर नहीं देखे। इसलिए आप दशरथ महाराज को देखे है ना, जब उन्होंने शीशा में देखा एक दाढ़ी पक गया, राम को बुलाया, बेटा अभी हम चाहते हैं तुमको राज्याभिषेक करते हुए अभी हम पान प्रस्थ ले लो, फिर तो जितना सब लीला बनाए है। इसलिए उन्होंने पांच बच्चों को बुलाए, बोले मैं चाहता हूँ सबसे जो बड़ा बेटा है उसको हम राज्याभिषेक करके दोनों पति पत्नी हम जंगल में जाकर के भजन करें। इतने में जो बड़ा बेटा था, बोले पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे अंदर नहीं, ये जो मझिला बेटा श्री नंद है यही राजा बनने का योग्य। क्यों? नियम है राजा को प्रजाओं को बच्चे जैसे पालन करनी चाहिए, इसलिए इनका नाम नंद। नंद मतलब क्या है? हम कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद को जन्म दिया ना, तभी तो हम कृष्ण को भजन करके आनंद पा रहे ना। अगर कृष्ण जन्म नहीं देते तो हम आनंद कहाँ से मिलते? इसलिए बोले नंद बाबा को राज्याभिषेक करा दो। तो उन्होंने नंद बाबा को राज्याभिषेक करके उन्होंने दोनों पति पत्नी चले गए।
अभी चार बच्चों का था संतान, लेकिन मझिला बेटा नंदक आई बेटा है, बोला हर तरह का हमने व्रत करके देख लिया, लेकिन पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं किया। चलो हम पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं। आप लोग नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए हो? वहां पर देखना एक आशीष स्वर महादेव, सुन लो, जिनके घर में संतान नहीं बच्चा नहीं होता है ना, वहां पर जाने पर शंकर जी की उपासना करने से श्री परिजन बाबा ने शंकर जी की पूजा की। वहां पर श्री आशीष स्वर महादेव जब पूजा की, बोले मेरे चार बच्चों का तो बच्चा है, लेकिन मझिला बेटा नंद का कोई बेटा नहीं। जब उन्होंने इसलिए शंकर जी का अभिषेक की, आकाशवाणी हुई, बोले परिजन बाबा चिंता मत करो, आपका ऐसे पोता होने वाला सारा दुनिया में तुम्हारी जिज्जीदार होगी। साधारण पोता जन्म होने वाले नहीं, संख्यादि परम ब्रह्म परात्पर तत्व स्वयं कृष्ण तुम्हारी पोता बनकर गाएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब उन्होंने एकादशी व्रत की, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में दोनों नंद जसोदा स्वप्न देखा। देखो अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न होना कभी सही होता है। वो स्वप्न किया था, बोले श्यामा सुचारु चंदन दीर्घ नयन बाल स्तवांग स्थले। अभी दोनों का गीत भूल गए। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे, मैंने बड़ा एक सुंदर प्यारा स्वप्न देखा। जसोदा बोली मैंने भी एक स्वप्न देखी, बता आपने क्या देखा? बोले मैंने देखा राम रंग का एक बालक तुम्हारी संतान प्राण कर रहे हैं और दोनों धारा से दूध बहते हुए कुर्ता दिख रहा है। बोले मेरी स्वप्न देख लो। बोले सुना दे। बोले मैंने स्वप्न देखा है सुंदर एक बालक श्याम रंग का मेरे पीछे पीछे भैया भैया बोल करके आ रहा था। सारी ब्रज में हला हो गया, भैया नंद के लाला होने वालों है। और जितने गोपियां थी ना, वो छह महीना पहले 84 गज के लेगा चुंदरी अलंकार बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएंगे। जितने गोप लोग थे ना, धोती बगल बंधी पगड़ी सबके सब बना करके रखे, हम भी लाला को बधाई देने के लिए जाएंगे। अभी मैया जसोदा जी लाला जब जन्म देने वाले, अभी एक बड़ी बड़ी गोपी बोली बोले मैया तूने कुआन पड़े में जुड़मा केल तो नहीं खा ली? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चे हैं। भैया तो डर गई, पहला बार बच्चा होने वाले। बोले दो बच्चे? बोले चिंता मत कर, राम जो करेगा अच्छो करेगा, कोई चिंता मत करो। एक गोपी बोली देखो भैया लगता है तेरे गर्भ में लाला होने वाले। बोले पता कैसे चला? बोले तेरे जो होंठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, हैं? जब गर्भ में बच्चा होना माताओं को चटपटी खाना अच्छी लगती है। मैया बोली मेरे को खीर खाने की इच्छा हो रही है। बड़े सुंदर खीर बना करके ठाकुर को भोग लगाए, मैया जसोदा को उन्होंने पान कराया। एक होता है गर्भ संस्कार, माताएं ध्यान देकर सुना, गर्भ में बच्चे रहते हुए माताएं जो कुछ करोगी वो बच्चा को ऊपर असर पड़ता है। अगर गीता रामायण पढ़ोगे, भगवान की कथा सुनोगे ना, वो बच्चा भी बैठे बैठे पेट में सब कुछ करता है। इसलिए बड़ी सुंदर भगवान की कथा मैया को सुनाई जाती है, बड़ी सुंदर सुंदर कथा, बड़ी सुंदर सुंदर फट ठाकुर को दिखा दे। क्यों? वो प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़े, बच्चे अच्छे संस्कार बन करके आए। और जो सुनंदा थी, सुनंदा थी कौन है? बोले नंद बाबा की बहन। कौन थी? नंद बाबा की बहन। वो तो 6 महीना पहले आकर घर में जम करके बैठी है। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती हुई, अगर लाला जन्म होगा ना मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले से घर से आकर जम कर बैठी गई, ऐसे लग रहा था मतलब आज ही घर में लाला का जन्म होने वाले। इसलिए बोले देखो रात को 8 बजे तक सबके सब जगे रहते हैं, उसको बाद में सो जाते हैं। बोले 2-2 घंटा का टीम भी लगवा दो। अभी सबके सब मजीरा ढोल भी लेकर गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधा।
जो घुमाया था सबको सुला दी, कहा ढोलकी गिरी, कहा चिंता गिरी, कहा मजीरा गिरी, हाथ पैर छोड़ सब सो गए। लेकिन कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को लाए और अदला बदला करके बेटे को रख करके बेटी को लेकर चले गए, उसको पता ही नहीं पड़ा। अभी सबके सब सोए पड़े हुए, लेकिन सुनंदा को तो चैन नहीं। क्यों? लाला हमारा नवला की हार मिलेगी। अभी सुनंदा को सबसे पहले सवेरे सवेरे नीति बोली, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, क्या करके देखे? जब दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में नील मणि जैसे एक सुंदर बालक पौड़ रहा है और तीरधारी मारकर भी फैल रहा है। बोले भैया लाला का कब जन्म हो गया जिसको पता ही नहीं पड़ा। तो इतने में उन्होंने एक बहुत बड़ा उन्होंने थाली लेकर के ना बड़ी जोर जोर से बजाई, हाँ बजा बजा करके बोली भैया नंद के लाला हे गए हो, हे जग जाओ जग जाओ जग जाओ, बधाई हो सबको, उनने जगा दिया। बोले भैया भैया कहाँ पर? नंद भैया की नवला की हार मिलेगी, सबसे पहले नंद भैया को जाकर खबर दे। जाकर के ब्रह्मांड घाट में देखा नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे, माला जप नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे घर में छोरा कब होएगो, लाला कब होएगो, लाला कब होएगो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जाकर के बोले भैया कमाल है मेरे, हे इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन कहा भयो है? बोले भैया छह महीना पहले आकर बैठी वैसे नहीं। बोले नवला की हार की चक्कर में ना, और क्या? बोले ले नवला की हार ले ले। बोले और क्या करोगे? बोले दे दिया ना नवला की हार। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बोलो और क्या दोगे? बोले वो जमुना किनारे में जितना जमी जगह जमीन जगह तेरे नाम पर लिखवा दिया। बोले और क्या दोगे? बोले दे दिया ना। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, और क्या दोगे? बोले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले, लेकिन बता तो सही घर में कहा भैया हो गए? बोले नंद बाबा तेरे घर में लाला हो गए। जोर से तो वहीं से ही दौड़ लगाए, हे लाला की मुख दर्शन करते हुए इतने प्रसन्न रहे, इतने प्रसन्न हो गए। उन्हें संकल्प लिया 20 लाख भैया जिनकी खून को चांदी में बढ़वा करके, सीन को स्वर्ण में बढ़वा करके दान दूंगा और 7 दिन का पर्वत में दान दूंगा। बोले जाओ सारे साधु संत को बुलाओ, पूरा ब्रजवासियों को बुलाओ, सबके सब बधाई देने के लिए आए। हे जितने ब्रजवासी दूध दही मक्खन लेकर के सबके सब बधाई देने के लिए आ रही हैं। देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा नंद बाबा बधाई हो, आप लोगों को बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना। बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे आनंद नहीं आया, एक बार जोर से बोलो। बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये बूढ़े उम्र में भी लाला को मेरे को मुख दर्शन करने को मिलो, लाला मेरो नहीं ये लाला तो लोग का लाला है। और जितने प्रजवासी हैं ना सबके सब हृदय से उनका आशीर्वाद दे रहे थे। बोले क्या बोल रहे थे? बोले जुग जुग ले आप चले जुग जुग जी देरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी देरी जसोदा मैया तेरो ललना, मैया तेरो जल्दी।
बढ़िया से तो लाला मथुरा में प्रकट भयो हाँ देखो जो नंद बाबा जो सजाया था सीमा की जो बेटी राधिका है ये राधिका ये मेकअप करती इसने इसलिए सुंदर सजाया इसके लिए ताली मिला बहुत खुशी लाला मथुरा में प्रकट भयो और नंद बाबा वहीं बैठ के कर दो लगभग 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा ने काय कन्या को जन्म दिया गोकुल में आओ चलो इतना समझ गोकुल मानो भैया चलो चलो भैया चलो आज घर भी बहुत आई है आज परिचय प्यारे बने बन गए नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोपु सब करम मसाला जायो यशोदा जले सिरानी में और ये रबड़ी सिरा तुम्हें और ये दरबा सुनाना कैसी यशोदा मैया ने कार्य करना को जन्म दियो रबड़ी सी रात में और ये दरगाह सो राजा आइए एक बार जयकारे के साथ बोले नंद के लाला की जय सखी चलो नंद के
लोगों ने हीरो कंपनी नाम सुना, हीरो कंपनी, ये हीरो कंपनी का मालिक है, देखो ये हीरो कंपनी का मालिक है, ये भक्त है, इन्होंने माला लेकर के हरि नाम करते है, ठाकुर जी के नाम भी करते है, हीरो कंपनी के मालिक है, इसलिए इनका नाम अर्जुन है, अर्जुन, इसलिए ठाकुर जी को लाइन।